हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज एंड यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज। हाय फ्रेंड्स, सो आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर सेकेंड में टाइप्स ऑफ वर्ड्स का फर्स्ट पॉइंट नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में डिटेल में जाना था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज की ये वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर थर्ड में प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रोनाउन की परिभाषा को समझते हैं कि किन किन शब्दों को प्रोनाउन बोला जाता है। सो नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले सभी शब्दों को प्रोनाउन बोला जाता है, मतलब वे सभी शब्द जो कि नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन को आसानी से समझने के लिए मैं बोर्ड पे टू सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ, उसके अनुसार हम इसको प्रोनाउन को आसानी से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पे टू सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए समझते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है, मुकेश गाँव में रहता है और मुकेश स्कूल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुकेश गांव में रहता है और वह स्कूल जाता है। सो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में कितने नाउन्स हैं। सो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में मुकेश नाउन है और गांव भी नाउन है, और देखें तो फिर मुकेश नाउन है एंड स्कूल भी नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें तो फिर मुकेश नाउन है, गांव भी नाउन है, और फिर देखें तो स्कूल नाउन है। मतलब फर्स्ट में फोर नाउन्स एंड सेकेंड वाले सेंटेंस में थ्री नाउन्स है। सो एक बार और हम दोनों सेंटेंस को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है कि मुकेश गांव में रहता है और मुकेश स्कूल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुकेश गांव में रहता है और वह स्कूल जाता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहां पर है कि मुकेश गांव में रहता है और मुकेश स्कूल जाता है, दोनों बार नाम आया। नेक्स्ट देखते हैं तो मुकेश गांव में रहता है और वह स्कूल जाता है। यहां पर क्या हुआ है, इस मुकेश शब्द की जगह क्या वर्ड यूज किया गया है, वह, कि वह स्कूल जाता है। इसका मतलब मुकेश क्या है, नाउन है, तो नाउन के स्थान पर एक वर्ड यूज किया गया है वह, तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोनाउन। ओके, मतलब नाउन के स्थान पर यूज किया गया है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, तो मैंने टू सेंटेंसेस फिर से बोर्ड पे लिखे हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मुकेश और अमित साइकिल से मंदिर जा रहे थे मगर मुकेश और अमित रास्ते में गिर गए। एंड नेक्स्ट है, मुकेश और अमित साइकिल से मंदिर जा रहे थे मगर दोनों रास्ते में गिर गए। यदि देखा जाए तो फिर से दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें नाउन क्या क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस में यदि देखते हैं तो मुकेश नाउन है, अमित नाउन है, साइकिल देख सकते हैं हम नाउन है, मंदिर को देख सकते हैं नाउन है, फिर से मुकेश और अमित नाउन है, इसके अलावा रास्ता भी नाउन है जिसे हम देख सकते हैं। तो यदि फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छः और सात यानी कि सेवन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुकेश नाउन है, अमित नाउन है, फिर से साइकिल नाउन है, मंदिर नाउन है, रास्ता नाउन है, यानी कि इसमें एक दो तीन चार और पाँच ही नाउन है। ठीक है, फर्स्ट वाले में सेवन फाइव, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकेश और अमित, यानी कि मुकेश और अमित की जगह इसमें वर्ड यूज किया गया है दोनों,
कि मुकेश और अमित साइकिल से मंदिर जा रहे थे मगर मुकेश और अमित रास्ते में गिर गए। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि मुकेश और अमित साइकिल से मंदिर जा रहे थे मगर दोनों रास्ते में गिर गए। यानी कि मुकेश और अमित दोनों नाउन है, उसकी जगह एक वर्ड यूज किया गया दोनों, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। तो अब हम वे सभी शब्द लिखने वाले हैं जो कि प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट है आई यानी कि मैं, मी यानी कि मुझे, माय मतलब मेरा, एंड वी यानी कि हम, और अस यानी कि हमें, एंड आवर मीन्स हमारा, एंड नेक्स्ट यू यानी कि तुम और आप, एंड योर मीन्स तुम्हारा या आपका, एंड ही यानी कि वह, और शी का मतलब भी वह ही होता है, लेकिन ही मेल के लिए यूज़ किया जाता है और शी फीमेल के लिए। एंड नेक्स्ट है हीज यानी कि उसका, और हिम यानी कि उसको, एंड नेक्स्ट हर यानी कि उसका या उसको। तो यहाँ पर भी हीज और हिम है वो मेल के लिए यूज़ किया जाता है, और हर उसका या उसको फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है दे मतलब वे, एंड देम यानी कि उनको या उन्हें, एंड देयर यानी कि उनका। नेक्स्ट है दिस यानी कि ये, और दोस मतलब वे, और दिस यह, और देट वह। एंड नेक्स्ट है विच यानी कि जो कि या कौन सा, एंड हुज यानी कि किसका, एंड ऑल यानी कि सब, और बोथ यानी कि दोनों। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में समझा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि आ गया है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।